जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वाले सेशन में, सबनेटिंग का जो टॉपिक है वो हम लोग थोड़ा सा उस टाइम के लिए ड्रॉप करते, हम लोग इसको लाइक एक आध घंटे बाद लेते हैं, क्योंकि उसके पहले हमें कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। सो जैसे कि अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं ओएसएल लेयर्स, अभी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं, हम लोग इसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करने वाले, बिकॉज मुझे कुछ कोर टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करना है, सबनेटिंग को एक्सप्लेन करना है और थोड़ा डिटेल में, क्योंकि मैं बेसिक लेवल पर नहीं, थोड़ा सा उसको प्रोफेशनल लेवल पर लेके जाने की कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है। तो OSLS हम लोग एक छोटा मोटा इंट्रोडक्शन समझते हैं कि OSLS क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, OSI इज अ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये एक मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल डिज़ाइन किया है ISO। ISO क्या है? ISO है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। जैसे कि मैं तुम्हें इसके बारे में एक छोटा मोटा हिस्ट्री बताता हूँ, 1984 के दौरान में इसका निर्माण किया गया है। अभी जस्ट कंसिडर करो क्या होता है कि जैसे कि अगर मुझे, मैं इंडिया में रहता हूँ, अगर मुझे USA जाना है, अमेरिका जाना है, सो मुझे लगेगा पासपोर्ट सबसे पहली चीज, सेकंड थिंग एक ऑथोरिटी जो मुझे अमेरिका जाने का परमिशन दे सकती है, दैट्स मींस अ वीज़ा, ठीक है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अमेरिका के जो कंट्री है उनके एम्बेसी को बोलना पड़ेगा कि मुझे अमेरिका जाना है, काम के लिए जाना है या वर्क परमिट के लिए जाना है, या तो परमानेंट रेसिडेंसी के लिए जाना है या टूरिस्ट पर्पस के लिए जाना है। तो मतलब क्या होता है, एक सिक्योर तरीके से मैं वहाँ पे जा सकता हूँ एक लीगल वे से। सेम एज इंडिया में काफ़ी सारी कंपनीज थी, उन्होंने अपना बिजनेस काफ़ी ज़्यादा एस्टेब्लिश कर लिया और उनको लगा कि अभी मुझे दूसरी कंट्रीज में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट आया था सिक्योरिटी का, हमारा डेटा किस तरीके से फ्लो होगा फ्रॉम इंडिया टू अनदर कंट्री। तो ऐसी सिचुएशन में उनको काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, और किस तरीके से डेटा सीक्रेट रूप से जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें थे। तो इस सभी चीज़ों के लिए वो लोग गए IOC के पास, विच इज़ कॉल्ड एज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इन्होंने OSI ये डिफाइन किया, ये 1984 के दौरान में हुआ। OSI में टोटल 7 लेयर्स होती, सो 7 नंबर लेयर इज़ अ अप्लीकेशन लेयर, 6 नंबर लेयर इज़ अ प्रेजेंटेशन लेयर, 5th नंबर लेयर इज अ सेशन लेयर। हर लेयर को मैं एक स्मॉल तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले। 4th नंबर लेयर इज अ ट्रांसपोर्ट, 3rd नंबर लेयर इज अ नेटवर्क लेयर, 2nd नंबर लेयर इज अ डेटा लिंक, एंड द लेयर 1 इज अ फिजिकल, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं अबोव 3 लेयर्स विच इज कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर लेयर, एंड द बिलो 3 लेयर्स विच इज़ कॉल्ड एज अ हार्डवेयर लेयर। अभी मैं इसको सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्यों बोलते हैं वो समझा देता हूँ, और ट्रांसपोर्ट लेयर इज कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर लेयर एंड द सॉफ्टवेयर लेयर्स। इसको हार्डवेयर लेयर एंड सॉफ्टवेयर लेयर्स क्यों बोला जाता है, बिकॉज अप्लीकेशन लेयर मतलब जैसे कि हमारे पास ओपेरा अप्लीकेशन है, गूगल क्रोम है, मोजिला है, काफ़ी सारे अप्लीकेशन है, हम लोग इसको देख सकते हैं एज अ सॉफ्टवेयर के रूप में, इसका कोई भी हार्डवेयर से संबंध नहीं होता, या तो इसका कोई हार्डवेयर नहीं होता। कभी आपने देखा है कि मोजिला का कोई हार्डवेयर होता है? नहीं होता है, करेक्ट। कभी किसी ने बोला है कि यार मेरे पास ना मेरे पास गूगल क्रोम है, उसका हार्डवेयर है, मेरे पास डिवाइस है? नहीं होता, ये सब चीज़ें सॉफ्टवेयर होती है। सो इसलिए हम लोग उसको सॉफ्टवेयर लेयर में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अ प्रेजेंटेशन लेयर। डेटा को प्रेजेंट करने के लिए जो भी फॉर्मेट होता है वो सब चीज़ें हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर में देखते हैं, मतलब डेटा को प्रेजेंट करने के लिए लेयर जो कि होता है प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, जिसके अंदर हमारा जो डेटा होता है उसको हैंडल करता है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। लाइक हमारे पास काफ़ी सारे फाइल होती है, PPT फॉर्मेट में होता है, DOC डॉक फॉर्मेट में होता है, वर्ड फॉर्मेट में होता है, काफ़ी सारे फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें प्रेजेंटेशन लेयर पे होती है। नेक्स्ट इज सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करता है, तुम्हारा मेंटेन करता है, सेशन को मेंटेन करने का काम करता है, किसके बीच में, डेट ऑफ सेपरेशन अप्लीकेशन, मल्टीपल अप्लीकेशन के बीच में सेशन को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। ये मोस्टली हम लोग विंडोज लेवल पे भी करते हैं। अभी सेशन लेयर का दो तरीके से हम लोग मीनिंग निकाल सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं सिस्टम में, जैसे कि अगर मैं कोई सिस्टम पे काम कर रहा हूँ कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि मैंने ये पुट्टी का सेशन लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्विच का लॉगिन दिया है। अभी क्या होता है, मैंने इसको बाय डिफॉल्ट रूप से 60 सेकंड तक इसका सेशन टाइमर डाल के रखा है। इन केस अगर मैं अपना सिस्टम छोड़ के कहीं चला जाता हूँ, अगर ये सेशन ऑन है तो इसको पता चल जाता है, अगर 60 सेकंड तक कोई एक्टिविटी नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये विंडो क्लोज हो जाती है। तो ये भी एक टाइप का सेशन ही होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग दोनों सेशन को कंसिडर करेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर को अभी फिलहाल रहने देते, उसके बाद आते हैं नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे जो डिवाइस वर्क करता है जिसको हम लोग बोलते हैं राउटर, और राउटर ये डिवाइस हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर किस तरीके, हार्डवेयर जिसको हम लोग देख सकते हैं फिजिकल लेवल पे और टच भी कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको हार्डवेयर डिवाइस हार्डवेयर लेयर के अंदर कंसिडर करते हैं। डेटा लिंक लेयर के अंदर होता है स्विचेस, L2 डिवाइसेस। सो स्विच ये भी हार्डवेयर है, हम लोग इसको देख भी सकते हैं और फिजिकली टच भी कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको हार्डवेयर लेयर के अंदर कंसिडर करते हैं। फिजिकल लेयर के ऊपर हब ये डिवाइस वर्क करता है, एज वेल एज केबल्स, जितने भी हमारे पास केबल्स हैं सभी के सभी फिजिकल लेयर पे वर्क करती है। हम लोग इसको देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। सो दैट्स वाई बिलो थ्री लेयर्स इज कॉल्ड एज अ हार्डवेयर लेयर एंड द अबो थ्री लेयर्स इज कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर लेयर्स, एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर लेयर एंड द सॉफ्टवेयर लेयर विच इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक लेयर के ऊपर जाते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, बेसिक बेसिक चीज़ें समझाने वाला। तो अभी हम लोग देखते कि एप्लीकेशन, जैसे कि मैं google.com ओपन करता हूँ, तो google.com जब भी ओपन करता हूँ ना, उसके आगे में ऑटोमेटिकली https://, इस तरीके से देखने को मिलता है। तो क्या होता है, जितने भी हमारे पास अप्लीकेशन है, ये सभी के सभी अप्लीकेशन अप्लीकेशन पोर्ट नंबर के थ्रू वर्क करती है। कोई भी अप्लीकेशन विदाउट पोर्ट नंबर कभी वर्क नहीं करती। ठीक है, सो टोटल हमारे पास अप्लीकेशन पोर्ट नंबर 65,535 है, जिसके अंदर एक से लेके 1023 पोर्ट्स आर रिजर्व, ये रिजर्व है। उसके बाद 1024 टू 65,000 1 मिनट 535 पोर्ट्स है जो कि अनरिजर्व्ड है। मतलब जैसे कि अभी यहाँ पे काफ़ी सारे पोर्ट्स है, काफ़ी सारे अप्लीकेशन लाइक FTP, TFTP, SMTP, DNS मल्टीपल है। ठीक है, HTTP, HTTPS, SMTP, TCP, UDP, काफ़ी सारे ऐसे पोर्ट्स नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये तो रिजर्व्ड है। जैसे कि मैं SSH का पोर्ट नंबर देखता हूँ तो वो 22 है। अगर आप गूगल में अप्लीकेशन पोर्ट नंबर डालते हो तो आपको पूरे 65,000 में से इतने जितने पोर्ट्स जो रिजर्व्ड है सभी का डिटेल्स मिल जाता है। बट वॉट अबाउट अनरिजर्व्ड पोर्ट, जैसे कि एक आध मैंने XYZ नाम की अप्लीकेशन मैंने डिप्लॉय की, मुझे लगता है कि ये जो पोर्ट्स है इसमें के पोर्ट्स मुझे यूज़ नहीं करना है, मुझे कुछ कस्टमाइज करना है पोर्ट। ठीक है, तो मैं कस्टमाइज करने के लिए इसमें का एक पोर्ट यूज़ कर सकता है, लाइक 1025 पोर्ट नंबर यूज़ किया, इसके थ्रू मैंने अपने अप्लीकेशन को कस्टमाइज किया। सो कस्टमाइज के लिए मैं इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन लेयर। सो एप्लीकेशन लेयर में एप्लीकेशन पोर्ट के थ्रू किस तरीके से वर्क होता है वो हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट अबाउट द प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, डेटा को प्रेजेंट करने का काम। इसके मतलब जैसे कि हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास पिक्चर फाइल है तो JPG फॉर्मेट में ओपन होगा, डॉक फाइल है सो DOCX DOC फॉर्मेट में ओपन होगा। सेकेंड थिंग, अगर हमारे पास वर्डप्रेस है सेम फॉर्मेट में ओपन होगा, .NET फाइल डॉट, हमारे पास अगर टेक्स्ट फाइल है .exe फॉर्मेट में ओपन होगा, ऐसे काफ़ी सारे फॉर्मेट्स होते हैं। सो इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंटेशन में जो तुम्हारे पास डेटा है उसको प्रेजेंट होना, मतलब इनकोडिंग डिकोडिंग होना, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होने का काम भी हो सकते हैं, हम लोग ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद जैसे कि हम लोग, हमारे पास विनरार एप्लीकेशन होते हैं जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल मल्टीपल फाइल्स को मर्ज करके एक फाइल बनाते हैं विनरार। ठीक है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं हमारे प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। उसके बाद आते हैं सेशन लेयर के अंदर। सेशन लेयर क्या करता है, हमारा एक सेशन को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, अभी जैसे कि अभी हम लोग मोस्टली लैपटॉप या मोबाइल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लैपटॉप या मोबाइल के बारे में एग्जांपल लेते हैं। अभी जैसे कि मोबाइल जो होता है, मोबाइल के अंदर भी एक दो टाइप के सेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। एक तो मैंने वो पुट्टी डिवाइस के बारे में बताया, सेकेंड थिंग अभी एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले रहा हूँ मोबाइल के बारे में। जैसे कि अगर मोबाइल की बात करते तो मोबाइल के अंदर भी सेशन हम लोग जनरेट करते, राइट। तो मोबाइल के अंदर अगर हम लोग देखते कि अगर आप मोबाइल के ऊपर कुछ काम नहीं कर रहे हो, सो ऑटोमेटिकली 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली स्क्रीन का डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। हालांकि हम लोग इसको नेवर करके डिस्प्ले बंद नहीं कर सकते, मतलब अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकते, दैट्स अ सेकेंडरी ऑप्शन, बट बाय डिफॉल्ट रूप से ये ऑप्शन ऑलरेडी एनेबल रहता है। ठीक है, तो ये सेशन मेंटेन करने का काम करता है। द सेशन लेट टेक केयर ऑफ एस्टैब्लिशिंग मैनेजिंग एंड टर्मिनेटिंग द सेशन बिटवीन द टू होस्ट, मतलब दो होस्ट के बीच में सेशन मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, ये तो हो गया मेरा सेशन लेयर के बारे में। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। अभी ट्रांसपोर्ट लेयर को हम लोग सबसे आखिरी में देखेंगे, उसके बाद का जो लेयर है हमारा उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क लेयर।
अभी नेटवर्क लेयर में जो डिवाइस वर्क करता है वो होता है राउटर, और राउटर क्या करता है, हमेशा दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क को जोड़ने का काम। और राउटर ये जो डिवाइस है इसके ऊपर हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल चला सकते हैं, जैसे कि IGP राउटिंग प्रोटोकॉल एंड EGP राउटिंग प्रोटोकॉल। अभी IGP एंड राउटिंग प्रोटोकॉल, EGP राउटिंग प्रोटोकॉल कौन से, वो तो हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन में देख ही चुके हैं, ठीक है। हालांकि मैंने वहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया कि जो राउटर होते हैं इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फिक्स राउटर, एक होता है मॉड्यूलर राउटर। फिक्स राउटर मतलब जैसे कि हम लोग घर पे लेके आते हैं टीपी लिंक, डी लिंक कंपनी के राउटर होते हैं, वो फिक्स राउटर होते हैं। अगर इसके पीछे में हम लोग RJ45 स्लॉट देखते हैं तो उसके अंदर शायद से दो या चार स्लॉट रहते, चार पोर्ट्स रहते, तो इसका मतलब हम लोग मैक्सिमम चार पोर्ट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो होता है हमारा फिक्स राउटर के बीच में, ये होता है हमारा फिक्स राउटर में। अभी क्या होता है कि अगर इनमें से कोई भी एक पोर्ट खराब हो गया, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे तो ऑब्वियसली कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग मार्केट में जहाँ से हम लोगों ने ये राउटर बाय किया है वहाँ पे लेके जाते हैं और वहाँ के शॉप ओनर को बोलते हैं कि सर जी इसका ये पोर्ट खराब हो चुका है, आप मुझे रिप्लेस करके ये पोर्ट नया लगा दो, तो वो बोलेगा कि फिक्स राउटर में आप ये पर्टिकुलर स्लॉट को चेंज नहीं कर सकते, अगर आपको इसको चेंज करना है तो पूरा का पूरा राउटर ही चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा पर्टिकुलर छोटा स्लॉट चेंज करने का इसमें फैसिलिटी नहीं होता है, ठीक है। और राउटर तभी चेंज होगा जब वारंटी में अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन मॉड्यूलर राउटर का ऐसा नहीं है, मॉड्यूलर राउटर के अंदर हम लोग स्लॉट को चेंज कर सकते हैं। सेम एज अगर मेरे पास एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कि हमारे घर पे कैबिनेट होता है जिसको हम लोग मोस्टली CPU वगैरह बोलते हैं, तो जिसके अंदर मदरबोर्ड रैम वगैरह होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लैपटॉप में दो रैम है, जस्ट कंसिडर कर रहा हूँ मैं, एक 4GB का रैम है और दूसरा वाला 8GB का रैम है, जस्ट कंसिडर करो। तो ये 4GB का रैम ना वर्क नहीं कर रहा है, कुछ ख़राब हो गया है, तो हम लोग पूरा का पूरा सिस्टम बेचने नहीं निकलते। हम लोग मार्केट में जाते हैं, उनको बोलते हैं कि भैया ये 4GB का रैम ख़राब हुआ, यही वाला रैम चेंज करके दो, करेक्ट। सेम ऐसा अगर हमारे पास बाइक है, कार है, अगर मेरे कार का एक शीशा टूट गया तो मैं उनको जाके ये नहीं बोलता कि भैया कार का शीशा टूट गया, पूरा कार चेंज कर दो। उनको यही बोलता हूँ कि सर जी मेरे कार का शीशा टूटा है, तो आप शीशे का प्राइस बताओ और वो चेंज करके दो, करेक्ट। यही फंडामेंटल होता है। सेम एज यहाँ पे भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास मॉड्यूलर राउटर है तो मॉड्यूलर राउटर के ऊपर स्लॉट होता है, ठीक है। इस स्लॉट को मैं दिखाऊंगा पैकेट प्रैक्टिकल करके, पैकेट टेस्टर के अंदर, तो हम लोग स्लॉट को लगा सकते हैं। अगर ये स्लॉट ख़राब हो गया तो हम लोग इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं और दूसरा स्लॉट, कॉम्पेटेबल स्लॉट लगा सकते हैं, पॉसिबल है। ये होता है मॉड्यूलर राउटर के अंदर। फिक्स राउटर काफ़ी इजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बट इसका यूज़ हम लोग प्रोडक्शन लेवल पे, डेटा सेंटर लेवल पे यूज़ नहीं कर सकते। मॉड्यूलर राउटर का यूज़ हम लोग प्रोडक्शन एंड डेटा सेंटर लेवल पे आसानी से कर सकते हैं। गॉट इट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स एंड मॉड्यूलर। फिक्स राउटर के अंदर लिमिटेड कॉन्फिगरेशन फीचर्स होते हैं, इंस्टेड ऑफ मॉड्यूलर राउटर इसके अंदर हम लोग प्रोटोकॉल बड़े लेवल पे, कोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे हम लोग आसानी से मॉड्यूलर राउटर का यूज़ कर सकते हैं। यह तो होता है हमारा लेयर थ्री मतलब नेटवर्क लेयर के अंदर। उसके बाद आता है हमारा डेटा लिंक लेयर। अभी डेटा लिंक लेयर के ऊपर जो डिवाइस वर्क करता है वो है स्विच, और स्विच को हमेशा मैक एड्रेस को समझने का काम करता है, और राउटर हमेशा IP एड्रेस को समझता है। अभी ये जो स्विच है, स्विच हमेशा मैक एड्रेस को समझता है, जैसे कि मैंने बताया। स्विच के अंदर दो टाइप्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा, एक मॉड्यूलर और एक मैनेजेबल एंड दूसरा होता है अनमैनेजेबल, ठीक है। अभी हम लोगों ने स्विच तो देख ही चुके हैं, तो हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोगों ने देख लिया कि आर टेबल किस तरीके से जनरेट होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा। ये स्विच, ये जो डिवाइस वर्क करता है, ये हमेशा डेटा लिंक लेयर के ऊपर वर्क करता है, ये याद रखना। यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फिजिकल लेयर के ऊपर। फिजिकल लेयर लेयर वन, इसके अंदर हब ये डिवाइस वर्क करता है, एज वेल एज जो हमारे पास केबल्स होती है ये सभी वर्क करती है। अभी फिजिकल लेयर मतलब क्या होता है, जब भी हमारा डेटा फ्लो होता है केबल के थ्रू, तो वो हमेशा यहाँ पे बाइनरी लैंग्वेज समझता है। हमारा जो सिस्टम है उसको बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 एंड 1। 0 इज़ अ ऑफ बिट एंड 1 इज़ अ ऑन बिट, बिकॉज ये बाइनरी फॉर्मेट होता है। जैसे कि हम लोग सिस्टम के ऊपर IP एड्रेस देते हैं ना, 192.168.1.10, सिस्टम को ये नहीं समझ में आता, इसके बैकेंड में ये बाइनरी नंबर चलता है। तो बाइनरी टू डेसिमल फॉर्मेट जो कन्वर्जन होता है, ये सबका सब फिजिकल लेयर के अंदर होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें ये भी पता होनी चाहिए, अगर हम लोग बेसिक नेटवर्किंग की बात कर दें तो। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, एक बेसिक एग्जाम्पल दे दूंगा मैं, ठीक है। द लास्ट वन इज, ये तो नीचे के तीन लेयर हो गए, ऊपर के तीन लेयर हो गए, अभी हमारा जो मिडल लेयर है विच इज़ कॉल्ड एज अ ट्रांसपोर्ट लेयर। अभी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है,
इस लेयर के अंदर दो प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, द फर्स्ट वन इज अ TCP एंड द सेकंड वन इज अ UDP। सबसे पहले हम लोग इसके बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। TCP इज अ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड UDP इज अ यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। TCP इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। अभी कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास पर्सन ए है एंड पर्सन बी के साथ कम्युनिकेशन करना है, सब पर्सन ए पर्सन बी को अपना डेटा भेजेगा, पर्सन बी को मिलेगा तो पर्सन बी उसको एक्नॉलेज करके सामने वाले को रिप्लाई करेगा, रिप्लाई करने के बाद दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप विच इज कॉल्ड एज अ थ्री डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, थ्री वे कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको, नॉट थ्री डायरेक्शनल, थ्री वे कम्युनिकेशन। मतलब यहाँ पे पर्सन ए जब बी को डेटा भेजता है तो बी उसको रिप्लाई करता है, यस आई गॉट यूर डेटा, सो दैट्स मीन्स ये एक्नॉलेजमेंट दे रहा है। इसलिए ये बोलता है कि कनेक्शन ओरिएंटेड, उसको भरोसा है। लेकिन UDP इज नॉट लाइक दैट, UDP इज जस्ट लाइक अ रेडियो। सो रेडियो क्या करता है? अपने सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट करने का काम करता है सभी को, लेकिन कौन सा पर्सन सुन रहा है कौन सा पर्सन नहीं सुन रहा है उससे उसको लेना देना नहीं। वो बोलता है मेरा काम है यहाँ से ब्रॉडकास्ट करना, दैट्स मीन्स अ कनेक्शन लेस, इसको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है। अबाउट द सिक्योरिटी चेक्स, यहाँ पे हम लोग एरर एंड रिपोर्टिंग होता है TCP के अंदर। रिपोर्टिंग होता है मतलब अगर किसी को मैसेज नहीं जा रहा है, किसी को नहीं मैसेज नहीं मिल रहा है तो वो रिपोर्ट भी कर देता है। लेकिन UDP के अंदर नो रिपोर्टिंग, यहाँ पे कोई रिपोर्टिंग नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया मैंने, जितने भी यूजर्स हैं ये रिपोर्ट कर ही नहीं सकते ना, बिकॉज ये सामने वहाँ से तो ब्रॉडकास्ट हो रहा है लेकिन यहाँ से उनके पास डेटा ट्राफिक जा ही नहीं सकता है। अबाउट स्लोअर एंड लाइक फास्टर, सो TCP ये काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोटोकॉल है एज़ कम्पेयर टू द UDP। UDP काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, बट UDP के अंदर वही प्रॉब्लम है कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है, हम लोग इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये एक्नॉलेजमेंट वाला है, मतलब इसके ऊपर भरोसा कर सकते, UDP के ऊपर हम लोग बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, नो एक्नॉलेजमेंट। TCP का एग्जांपल के तौर पे हम लोग ईमेल ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग किसी को ईमेल भेजते तो हमें आता है कि ईमेल हैज़ बीन सेंट, इसका मतलब तुम्हारा ईमेल सेंट हो चुका है, तो तुम्हें एक एक्नॉलेजमेंट आ गया कि भरोसा आ गया। कभी फेल हो गया तो वो भी आ जाता है कि ईमेल हैज़ फेल्ड, तो तुम्हें समझ जाता है कि ईमेल फेल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं VOIP, वॉइस ओवर IP, यहाँ से मैसेज तो जा रहा है लेकिन सामने से रिटर्न का तो कोई ये नहीं है, तो हम लोग इसको UDP में कंसिडर करेंगे। अभी TCP जो होता है इसके अंदर कुछ फंक्शन होते हैं। सबसे पहले ना TCP तुम्हारी सर्विसेस आइडेंटिफाई करता है, ये सर्विसेस को समझने का काम करता है, ठीक है। इसके अंदर सेगमेंटेशन, सीक्वेंसिंग एंड रिसेंबलिंग करके कंसेप्ट है, वो भी मैं समझा देता हूँ। इनकेस अभी कैसे कि मैं किसी को मैसेज भेज रहा हूँ, हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इनकेस मेरे पास सीक्वेंसिंग एंड रिसेंबलिंग नहीं होता, सेगमेंटेशन नहीं होता, तो क्या होता? सामने वालों को मैसेज जाता आर यू क्वेश्चन मार्क हाउ, तो सामने वालों को समझ में आता ही नहीं कि ये क्या मैसेज भेजा इसने, वो तो कन्फ्यूजन रहता। तो हमेशा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जब भी कोई मैसेज का फॉर्मेट होता है उसका सीक्वेंसिंग होता है, एक सेगमेंटेशन होता है। जैसे कि इसका सीक्वेंसिंग 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से आएगा, इसको एक पर्टिकुलर सेगमेंटेशन एंड सीक्वेंस के साथ ही भेजने का काम करेगा, रीअसेंबल करेगा। ऐसा नहीं कि ये पहले भेज दिया ये बाद में भेजेगा, जो एक शेड्यूल बनाया, जो एक प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट बनाया उसी फॉर्मेट में भेजने का काम करेगा। सेकंड थिंग, ये फ्लो कंट्रोल भी चेक करने का काम करता है, एरर भी चेक करने का काम करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी को मैसेज भेजते हैं, जैसे कि मैंने किसी को मैसेज भेजा हाउ आर यू, ठीक है, ये मैसेज भेजा और उसी टाइम मेरा इंटरनेट कनेक्शन डाउन चला गया, तो कभी ऐसा नहीं होता है कि उसके पास हाउ और आर चला गया और यू रह गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। या तो जाएगा तो पूरा जाएगा, या तो ड्रॉप होगा तो पूरा होगा। तो ये होता है एरर कनेक्शन एंड फ्लो कंट्रोल, ठीक है। ये मोस्टली हम लोग इसी के अंदर देखते हैं, OSI लेयर के अंदर, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर, ठीक है। ये तो हो गया मेरा OSI, ठीक है। अभी यहाँ पे इसके बाद में हम लोग देखते हैं IP एड्रेसेस एंड टाइप्स, ठीक है। सो IP एड्रेसेस होते हैं दो टाइप्स के, एक होता है IP वर्जन 4 एंड सेकंड होता है IP वर्जन 6। आज की डेट में IP वर्जन 4 का लिमिटेशन मतलब काफ़ी कम बचे हुए हैं, जिसके वजह से काफ़ी सारी कंपनीज IP वर्जन 6 के ऊपर जंप कर रहे हैं। सो बिफोर दैट वी शुड नो व्हाट इज IP एड्रेस। सो IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस इज अ एड्रेस लाइक हम लोग ईच एंड एवरी नेटवर्क डिवाइस को देते हैं हमारे नेटवर्क के अंदर, ताकि हम लोग नेटवर्क डिवाइसेस को आइडेंटिफाई कर पाए। सेम एज हमारे घर वालों ने हमारे लिए नाम रखा है, ठीक है, तो
तो हमारे नाम की वजह से हमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये पर्सन का नाम ये है। सेम एज नेटवर्क में आइडेंटिफाई करना है किसी डिवाइस को, तो उसको आईपी एड्रेस देना पड़ता है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 होता है, वो होता है 32 बिट फॉर्मेशन, एंड आईपी वर्जन 6 होता है जो कि होता है 128 बिट फॉर्मेशन। जैसे कि आईपी वर्जन 4 हमेशा हम लोग तो देख ही लेते हैं, लेकिन आईपी वर्जन 6 काफ़ी कम जगह पे देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिलता है, बट इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आईपी वर्जन 4 के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी एक आईपी एड्रेस लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, 32 बिट फॉर्मेशन बोला है। तो ये जो फर्स्ट है ये 8 ऑक्टेट है, ये सेकंड ऑक्टेट, ये थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट। हर ऑक्टेट में टोटल 8 बिट्स होते हैं, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया था फिजिकल लेयर पे हमेशा बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, तो कंप्यूटर हमेशा बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, उसको नहीं समझ में आता ये। इसके बैकएंड में कुछ आईपी कुछ बाइनरी नंबर चलते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 बिट, 8 + 8 = 16, 24 32, इसलिए ये 32 बिट फॉर्मेशन है। सेम एज दिस वन इज 128 बिट फॉर्मेशन। इफ आई टॉकिंग अबाउट आईपी वर्जन 4, इसके अंदर अराउंड 4.3 बिलियन आईपी एड्रेसेस है, जो कि काफ़ी पहले से चल रहे, आज की डेट में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो चुका है, तो कहीं ना कहीं हमें आईपी वर्जन 4 के पब्लिक आईपी एड्रेसेस नहीं मिल सकते। सो इसलिए अभी मार्केट में आईपी वर्जन 6 के बारे में यूज़ करना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी आईपी वर्जन 4 का आई गेस 1983 के दौरान में निर्माण हुआ था, और एंड आईपी वर्जन 6 का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट 1998 और 1999 के दौरान में इसका निर्माण हुआ था। सो आईपी वर्जन 4 इज़ लाइक 3.4 × 1038 बिलियंस, लाइक आप नॉट बिलियंस, काफ़ी ज़्यादा नंबर है 128 बिट फॉर्मेशन। मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं, आई गेस 1998 है, वो थोड़ा कन्फ्यूजन है, वो एक बार चेक कर लेना आप भी, ठीक है। बट इसका श्योर हूँ 1983 के दौरान में आईपी वर्जन 4 का निर्माण हुआ था, ठीक है। अभी आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6 किस तरीके से दिखते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ तो आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैं CMD करके ओपन करता हूँ मेरे लैपटॉप में, तो विच इज़ कॉल्ड एज अ कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको डालना है ipconfig/all, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा VMs वगैरह की रेट है, इसलिए आपको मल्टीपल इंटरफेसेस दिख रहे हैं, फॉरगेट अबाउट दिस, इसको छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए। सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास आईपी वर्जन 6 है। इट लुक्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, अगर हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो इतना ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सेकेंड थिंग, आईपी वर्जन 4 कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आईपी वर्जन 4 इज लुक्स वेरी सिंपल एंड ईजी, बट आईपी वर्जन 6 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट डोंट वरी अबाउट दैट, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स है बट नॉट लाइक, ऐसा कुछ टेंशन वाला नहीं है, बहुत ईजी तरीके से हम लोग इसको कॉन्फिगर कर सकते हैं। और एक चीज़, जैसे कि अभी मैंने राउटर ओपन किया, तो मैं यहाँ पे वो चीज़ भी बता देता हूँ, जैसे कि मैंने बताया था राउटर के ऊपर मॉड्यूल्स। तो यहाँ पे जो पैकेट ट्रेसर है, इसके अंदर ना काफ़ी अच्छा टूल है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं राउटर पे सिंपल कर्सर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है कि मेरे पास दो इंटरफेस है, एक है फास्ट इतने 0/0 एंड सेकंड इज फास्ट इतने 0/1। अभी यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करके ओपन करता हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे फास्ट इतने 0/0 ये राउटर 1 के साथ कनेक्ट हो चुका है। अगर मेरे पास और एक राउटर रहता तो मेरे पास फास्ट इतने 0/1 वो भी कनेक्ट हो जाएगा, देखो ये भी कनेक्ट हो गया। अभी इस राउटर के पास ऐसा कोई इंटरफेस नहीं है जो कि और एक नए राउटर को कनेक्ट कर सके, ठीक है। तो अभी ये मुझे पूरा राउटर रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये मॉड्यूलर राउटर है, और मॉड्यूलर राउटर के ऊपर हम लोग स्लॉट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास 4 GB का रैम है, मुझे लगता है मुझे 8 GB का लगाना चाहिए, तो मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, मुझे पूरा लैपटॉप चेंज करने की ज़रूरत नहीं। सेम एज यहाँ पे वही सिस्टम है, सबसे पहले डिवाइस को बंद करो, बिकॉज अगर हम लोग लैपटॉप के अंदर रैम लगाते तो डिवाइस को बंद करके ही लगाना पड़ेगा। सेम एज वही फॉर्मेट हमें यहाँ पे भी यूज़ करना है। ओके फाइन, सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है मेरे पास मल्टीपल स्लॉट्स अवेलेबल। एक्चुअली अगर मैं रियल डिवाइसेस के अंदर देखता हूँ, ठीक है, सो रियल डिवाइसेस के अंदर ये नेक्स्ट लेफ्ट वाला ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है।
हेलो, कैन यू हेयर मी? यस मेरी वॉइस आ सर, रही है यस सभी को सर, क्लियर? हाँ क्लियर है, यस सर, यस सर। या ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे जो रियल डिवाइसेस है उसके साइड में ऐसे स्लॉट नहीं रहते, तो ये बात का ध्यान रखना, वो हमें मार्केट से परचेस करना पड़ता है। ये तो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ये तो हमारे पास सिम्युलेटर है जिसके थ्रू हम लोग इजीली देख तो सकते हैं, लेकिन रियल डिवाइसेस में नहीं होता है, तो इसका ध्यान रखना। तो लेफ्ट हैंड साइड में काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं, आप इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये पैकेज इसका सॉफ्टवेयर है, मैं इसका लिंक आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो जस्ट कंसिडर, यहाँ पे मैं -4 ही करके एक स्लॉट दिख रहा है मुझे, मैं इसको पिक करता हूँ, और ये स्लॉट को पिक करने के बाद सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे ब्लैंक कलर के स्पेस में एक स्लॉट फिक्स हो गया। डिवाइस को ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद आप यहाँ पे सिंपल कर्सर लेके जाओ। अभी यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा डिफरेंट नज़ारा देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे देखो, सबसे पहले फास्ट इथरनेट 0/0 एंड 0/1 थे, बट आज अभी के डेट में इथरनेट 1/0, 1/1, 1/2 एंड 1/3 है। गॉट इट? सो इस तरीके से हम लोग मॉड्यूल को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि ये वाला मॉड्यूल मेरा खराब हो गया है, तो मैं इसको रिप्लेस करके मार्केट से दूसरा मॉड्यूल लगा सकता हूँ, पॉसिबल है। जैसे कि मैंने नया मॉड्यूल लगाया, देखो यहाँ पे और ज़्यादा स्लॉट है, तो हम लोग इस तरीके से स्लॉट एक्सचेंज वगैरह कर सकते हैं। ये ओनली ओनली मॉड्यूलर राउटर के अंदर होता है, ये मैंने तभी नहीं बताया था इसलिए अभी बता रहा हूँ, ठीक है? सो अगेन मैं अपने स्क्रीन के ऊपर जंप करता हूँ। ओके फाइन, सो अगेन हमारा वही टॉपिक, आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस 4 के बारे में बात करेंगे अभी हम लोग। आईपी एड्रेस 4 मतलब इसके अंदर ना क्लासिफिकेशन है। अभी क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है? आईपी वर्जन 4 ये डिवाइड किया है 5 क्लासेस में, क्लासिफिकेशन ऑफ आईपी एड्रेस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। आईपी एड्रेस जो स्टार्ट होता है आईपी वर्जन 4 में, वो स्टार्ट होता है 0.0.0.0 से लेकर लास्ट वन इज 255.255.255.255, मतलब कोई भी आईपी एड्रेस 255 के ऊपर नहीं जाएगा। ये बात हमें क्लियर कर समझना है। नेक्स्ट थिंग, अभी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रेंज समझते हैं कि ए बी सी डी ई में कौन सा रेंज है। क्लास ए में जो रेंज है 0 to 126, कुछ बुक्स में उन्होंने 127 मेंशन किया है। 127 इज बेसिकली यूज फॉर द लूप बैक पर्पज। क्लास बी का जो रेंज है वो है 128 to 191। क्लास सी का जो रेंज है वो है 192 to 223। क्लास डी का रेंज है 224 to 239। क्लास ई का रेंज है 240 to 255। देखो लास्ट वन इज 255 एंड द फर्स्ट वन इज 0, सो ये रेंज है, ठीक है? अभी क्लास ए बी एंड सी का जो यूज़ होता है वो हमारे लैन एंड वैन पर्पज़ के लिए होता है। क्लास डी का यूज़ होता है मल्टीकास्टिंग के लिए, एंड क्लास ई का यूज़ होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जो नासा इसरो जैसी कंपनीज है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज़ करती है, काम करती है, तो उनके लिए सेपरेट आई पी एड्रेस है। मल्टीकास्ट का यूज़ होता है एक टेक्नोलॉजी के लिए, विच इज़ कॉल्ड एज अ मल्टीकास्ट टेक्नोलॉजी। एज वेल एज हमारे पास अगर दो राउटर एक दूसरे के साथ बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल, सो एवरी राउटिंग प्रोटोकॉल दे हैव देयर ओन मल्टीकास्ट आई पी एड्रेस। जैसे कि रीप प्रोटोकॉल है, ई आर आर पी प्रोटोकॉल है, ओ एस पी प्रोटोकॉल है, इनका एक मल्टीकास्ट आई पी एड्रेस होता है जिसके थ्रू ये कम्युनिकेशन करता है, जो जिसका रेंज 224 से स्टार्ट होता है, ठीक है? अभी ये जो फर्स्ट वन इज अ लैन वैन एंड मैन, मतलब हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए हम लोग इस आई पी एड्रेस नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं, आई पी एड्रेस सीरीज का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया? अभी जैसे कि अगर किसी ने मुझे आई पी एड्रेस लिख के दिया, जैसे कि मैं फर्स्ट आई पी एड्रेस लिख रहा हूँ 10.1.1.99, सेकेंड आई पी एड्रेस 192.168.2.22, थर्ड आई पी एड्रेस 172.19.99.100, ठीक है? सो किसी ने पूछा कि ये कौन से क्लास का आई पी एड्रेस है, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा याद रखना है कि मुझे फर्स्ट ऑक्टेट चेक करना है। सो फर्स्ट ऑक्टेट चेक करने के बाद मुझे पता चलता है 10, और 10 आता है 0 to 126 के बीच में, दैट मीन्स इट्स अ क्लास ए आई पी एड्रेस। नेक्स्ट वन इज अ 192, 192 मतलब 192.223, ये क्लास सी का आई पी एड्रेस है, ये क्लास ए का आई पी एड्रेस है। 172,
ये इनके बीच में आता है, तो ये हो गया मेरा क्लास बी का आईपी एड्रेस। इस तरीके से हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा आईपी एड्रेस कौन से क्लास से बिलोंग करता है, सिंपल सा फंडा। ओके, तो ये तो हो गया मेरा क्लासिफिकेशन। अभी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं सबनेट मास्क के बारे में डिस्कस करूँगा। सबनेट मास्क क्या होता है, अभी यहाँ पे डिफॉल्ट सबनेट मास्क के बारे में बात करता हूँ। जैसे कि मैंने क्लास ए के बारे में बात कर रहा हूँ, क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क इज 255000, बिकॉज इसके अंदर द फर्स्ट पोर्शन इज द नेटवर्क एंड द लास्ट थ्री पोर्शन इज द होस्ट पोर्शन। क्लास बी का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क इज 255000, मतलब फर्स्ट टू पोर्शन इज द नेटवर्क एंड द लास्ट टू पोर्शन इज द होस्ट। क्लास सी की बात करता हूँ, तो क्लास सी में डिफॉल्ट सबनेट मास्क इज 255000 एंड नेटवर्क 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 एंड होस्ट। ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास ए में होस्ट पोर्शन ज्यादा है। होस्ट मतलब क्या होता है, यूजर्स, यूजर्स का क्वांटिटी ज्यादा है। क्लास बी में उससे कम है और क्लास सी में उससे भी ज्यादा कम है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अभी जस्ट कंसिडर करो, मैं दो आईपी एड्रेस लिख रहा हूँ यहाँ पे। द फर्स्ट आईपी एड्रेस इज 10.1.1.10, दिस इज माई फर्स्ट आईपी एड्रेस, एंड द सेकंड आईपी एड्रेस इज 10.2.1.10। अगर मेरे पास एक स्विच है, स्विच के ऊपर दो यूजर पीसी कनेक्टेड है, फर्स्ट यूजर पीसी को मैं आईपी एड्रेस दे दिया 10.1.1.10 एंड सेकंड यूजर पीसी को दिया 10.2.1.10, सो माय क्वेश्चन इज, क्या ये यूजर पीसी सेकंड वाले यूजर पीसी के साथ रीच कर पाएगा, पिंग कर पाएगा कि नहीं, बताओ हाँ या ना, बताओ, गेस करो। यस सर। यस कर पाएगा, यस कर पाएगा, यस कर पाएगा, जस्ट बिकॉज दे आर बिलोंग टू द सेम नेटवर्क। ओके, अभी मुझे मेरा सेकंड क्वेश्चन, क्या ये अभी कर पाएगा, सेकंड वाले का जो आईपी एड्रेस है 11.2.1.10, क्या अभी कर पाएगा? बिल्कुल सर, कर पाएगा सर। कैसे कर पाएगा बताओ? नेटवर्क चेंज हो गया, अभी नहीं होगा, क्योंकि वो 10 का नेटवर्क है, अभी 11 का नेटवर्क है। एग्जैक्टली, यहाँ पे हमें ये चीज समझना है, बिकॉज क्या होता है, हम दोनों को देखने में तो ये क्लास ए का नेटवर्क लग रहा है। ठीक है, बिकॉज 10 एंड 11 ये दोनों के दोनों क्लास ए में बिलोंग करते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, नेटवर्क मतलब क्या होता है, अगर मैं क्लास ए के दो आईपी एड्रेस लिखा हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास PC1 एंड ये मेरे पास PC2 है, तो यहाँ पे द फर्स्ट पोर्शन इज अ नेटवर्क, तो हमेशा याद रखना है इन दोनों के फर्स्ट ऑक्टेट मैच होना चाहिए, तभी ये सेम नेटवर्क में बिलोंग करते हैं। होस्ट में अगर कुछ भी चेंजेस है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हेलो, हेलो, हाँ शो हो रहा है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि PC1 एंड PC2, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि जो हमारे पास क्लास ए का नेटवर्क है, द फर्स्ट ऑक्टेट शुड बी सेम। अभी यहाँ पे जो मैंने सेकंड आईपी एड्रेस लिखा, मतलब क्या हुआ था, मेरे पास PC1 का जो आईपी एड्रेस था वो था 10.1.1.10 एंड PC2 का आईपी एड्रेस था वो था 11.2.1.10। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन इज अ नेटवर्क, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, तो दोनों का नेटवर्क पोर्शन इज डिफरेंट, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ रीच नहीं कर पाएंगे। गॉट इट? सो इस तरीके से होता है। अभी सेम एग्जांपल पूछता हूँ मैं क्लास सी के लिए, मुझे बताओ करेक्ट वन। जैसे कि सेम एज यहाँ पे मेरे पास दो यूजर पीसी है, द फर्स्ट इज 192.168.1.10 एंड द सेकंड वन इज 192.168.2.10। क्या ये यूजर ये यूजर्स के साथ कम्युनिकेशन कर पाएगा? सबसे पहले समझ लो क्लास ए के कितने नेटवर्क पोर्शन है, द फर्स्ट थ्री पोर्शन इज अ नेटवर्क, तो मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ नेटवर्क 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 होस्ट। अभी बताओ क्या ये यूजर्स के साथ कम्युनिकेशन कर पाएगा एक स्विच पे रहेंगे तो? नहीं सर, इसका टू नहीं सर, एग्जैक्टली नहीं कर पाएगा और उसका वन है। एग्जैक्टली, समझ में आ गया ये कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये बोलता है कि तुम्हारा नेटवर्क पोर्शन मैच होना चाहिए, अगर तुम्हारा नेटवर्क पोर्शन मैच नहीं होता है तब तुम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो। जैसे कि अभी कम्युनिकेशन, अगर मैं यहाँ पे 1.11 लिख देता, मतलब लाइक फर्स्ट पोर्शन इज द नेटवर्क, अगर वो मैच हो रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। डजंट मैटर दे आर बिलोंग टू द क्लास ए बी और सी, हमेशा नेटवर्क पोर्शन मैच होना चाहिए, दैट्स द बेसिक कंसेप्ट इन द नेटवर्किंग। ठीक है, तो ये तो हमारे बेसिक टॉपिक्स थे जो कि यहाँ पे हम लोग समझ गए कि एग्जैक्टली किस तरीके से होता है नेटवर्क पोर्शन एंड होस्ट पोर्शन। ठीक है, सो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जंप करते हैं।
विच इज कॉल्ड एज अ प्राइवेट आई पी एड्रेसेस एंड पब्लिक आई पी एड्रेसेस. ठीक है, तो सबसे पहले प्राइवेट आई पी एड्रेस क्या होता है. प्राइवेट आई पी एड्रेस मतलब इसका जो स्कोप होता है वो होता है लोकल, मतलब हम लोग लोकल नेट के लिए, मतलब इंट्रानेट मतलब इंटरनल नेटवर्क, नॉट इंटरनेट, इंटरनल नेटवर्क के अंदर लोकल लैन के लिए हम लोग प्राइवेट आई पी एड्रेस का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, प्राइवेट आई पी एड्रेस कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हमें इसके लिए किसी का परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आसानी से अपने सिस्टम के अंदर कॉन्फिगर कर सकते हैं, प्राइवेट नेटवर्क में कॉन्फिगर कर सकते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, बट इसका एक रेंज होता है. अगर क्लास ए बी एंड सी, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था, क्लास ए बी सी हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं लैन एंड वैन वैन नेटवर्क के लिए, बट इसके अंदर जो प्राइवेट आई पी एड्रेस है उसके लिए रेंज है 10.0.0.0 टू 10.255.255.255. ये कंप्लीट रेंज हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं क्लास ए के अंदर. अगर क्लास बी की बात करता तो 172.16.0.0 टू 172.31.255.255. तो ये यहाँ पे थोड़ा सा रेंज अलग है, तो ये रेंज हम लोग यूज़ कर सकते हैं. क्लास डी के अंदर 192.168.0.0 टू 192.168.255.255 ये रेंज का हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्राइवेट आई पी एड्रेस के लिए. सो जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. बट व्हाट अबाउट द पब्लिक आई पी एड्रेसेस. अभी पब्लिक आई पी एड्रेसेस क्या होता है, पब्लिक आई पी एड्रेसेस जो होता है वो हम लोग पब्लिकली यूज़ करते हैं. लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस में बैंकिंग जो एप्लीकेशन है वो एक पर्टिकुलर लिंक के साथ वगैरह मैप करते हैं, तो वो एक पब्लिक आई पी एड्रेस के थ्रू बाय करते हैं. अभी काफ़ी सारे बैंकिंग सेक्टर हो गए, काफ़ी सारी कंपनीज वो पब्लिक आई पी एड्रेस का यूज़ करती है. तो पब्लिक आई पी एड्रेस ये ग्लोबली यूनिक होता है. ठीक है, यूनिक होता है. यूनिक मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी आपने एक आई पी एड्रेस खरीदा, मैं एक रैंडम आई पी एड्रेस लिख लेता हूँ, जस्ट 11.1.1.10 ये आई पी एड्रेस आपने खरीदा, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है ये आप ही के नाम पर होता है. जैसे कि हम लोग बाइक खरीदते, कार खरीदते, तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है. तो रजिस्ट्रेशन मतलब उसका प्रॉपर्टी आप ही के नाम पे होगा, मतलब जब तक आपकी कार है तो आप ही के नाम पे रजिस्टर होगा. सेम है यहाँ पे आई पी एड्रेस भी रजिस्टर होता है. इसको हमें बाय करना पड़ता है आई एस पी के थ्रू, आई एस पी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू बाय करना पड़ता है. ये इसका एक हेवी अमाउंट होता है, मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं कितना अमाउंट होता है, बट हम लोग इसको एक सिंगल आई पी एड्रेस भी बाय कर सकते हैं. अगर हमें ग्रुप में बाय करना है, एक रेंज बाय करना है, तो हम लोग वो भी बाय कर सकते हैं, इस डिपेंड करता है. ठीक है, इसका भी रेंज है. जैसे कि अभी हम लोगों ने प्राइवेट वाला छोड़ा, तो जो रिमेनिंग वाला है वो सब कुछ हम लोग पब्लिक के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सारी कंपनीज करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में एंड गवर्नमेंट सेक्टर में, दोनों में भी करते हैं. ठीक है, सो ये हो गया मेरा प्राइवेट आई पी एड्रेस एंड पब्लिक आई पी एड्रेस के बारे में. अभी हम लोग देखते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स, उसके बाद नेट एंड डीएससीपी. ठीक है, तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बता ही दिया था राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में, बस स्टिल एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं. सो राउटिंग प्रोटोकॉल काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले दो टाइप्स मेन, आईजीपी एंड ईजीपी. आईजीपी इज अ इंटरोगेटिव प्रोटोकॉल, ईजीपी इज अ एक्सटरोगेटिव प्रोटोकॉल. आईजीपी के अंदर आता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक सेट राउटिंग प्रोटोकॉल एंड हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल. ओके, ईजीपी के अंदर एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल आता है, विच इज कॉल्ड एज अ पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल. ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में समावेश होता है रीप वर्जन 1 एंड वर्जन 2 एंड आईजीआरपी राउटिंग प्रोटोकॉल. हालांकि आज की डेट में रीप वर्जन 1, वर्जन 2 एंड आईजीआरपी का यूज़ नहीं करता, बिकॉज सेम एस अगर हम लोग पुराने टाइम में मोबाइल की बात करते, तो पुराने टाइम में नोकिया जैसी कंपनी थी, काफ़ी पॉपुलर थी, लेकिन उनके कीपैड वाले थे, छोटी स्क्रीन थी, टच स्क्रीन नहीं था. लेकिन आज के डेट में सब लोग टच स्क्रीन मोबाइल का यूज़ करें. मैं किसी को बोलता हूँ कि आपको पुराने ज़माने के जो कीपैड वाले मोबाइल यूज़ करना है, तो वो बोलेंगे यार अभी क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी इतने अच्छे ऑप्शंस आ गए, तो हम लोग नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे. सेम एस आज के डेट में रीप वर्जन 1, वर्जन 2 एंड आईजीआरपी का यूज़ नहीं होता. हालांकि ये सीसीएनए के अंदर से टॉपिक निकाल दिए, बट स्टिल मैं ये टॉपिक पढ़ रहा था, बिकॉज इसका जो बैक एंड है, हिस्ट्री है, जो हमें पता होनी चाहिए, वो पता होनी ही चाहिए. तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है. सेकंड थिंग, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में OSPF ये प्रोटोकॉल का समावेश होता है, ना ISIS प्रोटोकॉल का समावेश होता है. सो OSPF इज अ पार्ट ऑफ CCNA, जो कि हम लोग पढ़ते हैं, और मैं भी इसको अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ.
हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल में आता है ईआरजीआरपी राउटिंग प्रोटोकॉल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है एनए एनपी लेवल के लिए। हालांकि इसका भी कम यूज़ हो रहा है आज की डेट में, बट इसको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ओएसपीएफ के अंदर एक एलएसए करके टॉपिक है, उसको भी पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये टॉपिक सीसीएनए लेवल में नहीं आता है, एनपी में आता है, बट एनए के अंदर ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। मैं खुद पढ़ा तो आप भी ये पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, पार्ट वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर एक प्रोटोकॉल आता है विच इज़ कॉल्ड एज अ बीजीपी। बीजीपी इज अ बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। कभी आप सीसीएनपी लेवल का प्रैक्टिस करते हो तो इसके अंदर एक एट्रीब्यूट्स करके सब्जेक्ट है, तो वो आप डेफिनेटली पढ़ो, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज़ क्यों होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज़ क्यों होता है, अभी यहाँ पे मैं एक टोपोलॉजी बनाता हूँ स्मॉल। जैसे कि अगर मेरे पास दो राउटर है, फर्स्ट राउटर एक स्विच के साथ कनेक्टेड है, सेकंड राउटर एक दूसरे स्विच के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से यूजर्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नेटवर्क डिफाइन करता हूँ 10.1.1.1, ये आई पी एड्रेस है, 1.2 20.1.1.1 1.2 20.1.1.10 ये गेटवे, और यहाँ पे 10.1.1.10 और यहाँ पे दे देता हूँ 192.168.1.0.1 and .2, ठीक है, जस्ट कंसिडर करो। अभी ये जो राउटर वन है, राउटर वन को अगर मैं पूछता हूँ क्या तुम्हें कौन कौन से नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन, तो राउटर वन बोलता है कि मुझे जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क से उसके बारे में पता है। अगर राउटर वन को मैं इस नेटवर्क के बारे में पूछता हूँ तो उसको नहीं पता, बिकॉज उसके साथ कनेक्टेड नहीं। सेम एज राउटर टू बोलता है कि मुझे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क पता है, उसको इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर दोनों के एक दूसरे को ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये यूजर्स के साथ कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारा डेटा एक दूसरे के पास जाएगा ही नहीं, ठीक है। सो ये किस तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेशन करने के लिए हमें इन दोनों राउटर के ऊपर राउटिंग प्रोटोकॉल्स का रन करना पड़ेगा, जो कि ये सभी के सभी हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स है जो हमें समझना पड़ेगा। हर राउटिंग प्रोटोकॉल के अलग अलग कंसेप्ट है, अलग अलग फीचर्स है, जो कि हम लोग मोस्टली सीसीएनए में कवर करते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही समझो, राउटिंग प्रोटोकॉल इज बेसिकली यूज फॉर द टू और मल्टीपल नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक अबाउट नेट, अभी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। नेट मतलब क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अभी एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये मेरे पास स्विच है, यहाँ पे एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी के स्विच है, यहाँ पे कुछ यूजर्स है, ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई जेड कंपनी है, इनके भी कुछ यूजर्स है, ठीक है। यहाँ पे ये राउटर के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे राउटर, और यहाँ पे उनका है आईएसपी, इस तरीके से कुछ कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क, जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1.1 से लेके 1.5 तक। सेम एज यहाँ पे भी 192.168.1.1 से लेके 1.5 तक है, ये भी सेम नेटवर्क यूज़ कर रहा है, ये भी सेम नेटवर्क यूज़ कर रहा है, कर भी सकते हैं बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्राइवेट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी इन केस नेटिंग का कंसेप्ट मार्केट में क्यों आया, क्यों पिक्चर में आया, उसके पीछे में रीज़न बताता हूँ मैं। 192.168.1.1 इस पर्सन को आईएसपी से गूगल की सर्विस की रिक्वेस्ट करना है, गूगल की सर्विस मतलब गूगल के पास जाना है। सो इसने क्या किया, इसने अपना ट्रैफिक राउटर के पास भेजा, राउटर से आईएसपी के पास गया और गूगल के पास गया, मतलब आईएसपी के पास गया। सेम एज यहाँ पे 1.1 ने रिक्वेस्ट किया, वो भी रिक्वेस्ट आईएसपी के पास गया। अभी यहाँ पे जो आईएसपी है, आईएसपी क्या बोलता है कि मुझे 192.168.1.1 ये यूजर्स ने दो बार रिक्वेस्ट किए, किसके लिए, गूगल की सर्विस के लिए, ठीक है। तो गूगल के सर्विस के लिए रिक्वेस्ट किए, तो आईएसपी क्या बोलता है, एक ही पर्सन मुझे दो बार रिक्वेस्ट क्यों करता है। आईएसपी इन केस एबीसी कंपनी को अगर रिप्लाई देता है, सो एक्स वाई जेड बोलेगा, यार पैसा तो मैं भी पे कर रहा हूँ, तुम मुझे सर्विसेज क्यों नहीं दे रहे हो। इन केस अगर वो एक्स वाई जेड कंपनी को सर्विस देता है, तो एबीसी बोलेगा, यार पैसा तो मैं भी पे कर रहा हूँ, तुम मुझे सर्विस क्यों नहीं दे रहे। अभी यहाँ तो मैंने दो कंपनी का एग्जांपल दिया, बट ऐसा हो सकता है रियल इंडस्ट्री में आपके पास 10 से ज़्यादा कंपनीज हो और प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके के सिचुएशन को टैकल करने के लिए दे केम विद पब्लिक आईपी एड्रेसेस। तो क्या किया, एबीसी कंपनी है,
एबीसी कंपनी ने एक आईपी एड्रेस बाई किया विच इज इलियन डॉट इलियन डॉट इलियन। मैं एक रैंडम ले रहा हूँ। एंड एक्स वाई जेड कंपनी ने एक पब्लिक आईपी एड्रेस बाई किया 22 22 22 22। ठीक है, सो यहाँ पे जब 1.1 एक्स एबीसी कंपनी का ये जब राउटर के पास गया, सो राउटर ने उसको नेट किया, मतलब प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करके इलियन डॉट इलियन डॉट इलियन डॉट इलेवन ये वाले आईपी एड्रेस से सर्विस प्रोवाइडर के पास गया। सेम एज एक्स वाई जेड कंपनी का 1.1 ये नेट किया राउटर ने और आगे में 22.22.22.22 इसके थ्रू आगे में चला गया। सो अभी यहाँ पे जो आईएसपी है, आईएसपी क्या बोलता है, आईएसपी बोलता है कि मेरे पास, आईएसपी बोलता है कि मेरे पास दो रिक्वेस्ट है ये अभी, सॉरी एक मिनट, इलेवन डॉट इलेवन डॉट इलेवन ये एक पर्सन ने भेजा और एक है 22.22.22.22, ऐसे दो लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा। तो आईएसपी इसको भी सर्विस देगा, इसको भी देगा, मतलब दोनों खुश। लेकिन आईएसपी को ये नहीं पता इंटरनल में प्राइवेट आईपी एड्रेस चले, आईएसपी डोंट केयर अबाउट दैट। आईएसपी बोलता है आप अंदर में कुछ भी चलाओ, लेकिन जब मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है वो पब्लिक आईपी एड्रेस से आ रही है, इसका मतलब मेरा यहाँ पे काम हो गया। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नेटिंग। नेटिंग काफ़ी सारे टाइप्स की होती है, जैसे कि अभी हम लोग सीसीएनए के अंदर मोस्टली समझते हैं स्टैटिक नेटिंग, उसके बाद आता है डायनामिक नेटिंग, और उसके बाद आता है पैट, जो कि काफ़ी अच्छे कंसेप्ट है। और हम लोग ये राउटर के ऊपर डिफाइन करते हैं, नॉट कि फायरवॉल के ऊपर। एक्चुअली नेट ये कंसेप्ट फायरवॉल के ऊपर भी हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं, बट हम लोग राउटर के ऊपर भी डिप्लॉय कर सकते हैं। सो कैसे करते हैं वो तो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं जब हम लोग सीसीएनए करेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द नेटिंग। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है विच इज कॉल्ड एज अ डीएससीपी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीएससीपी का मतलब क्या होता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या होता है, जैसे कि अगर मैं अपने कंपनी में काम करता हूँ, एक सिस्टम में काम करता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ यूजर्स है। सो यहाँ पे मेरे पास 5 यूजर है, तो यहाँ पे जो 5 कंप्यूटर है इनको मुझे आई पी एड्रेस देना है 192.168.1.1 से लेके 1.5 तक। सो हर सिस्टम को ओपन करना है, स्टार्ट करना है, आई पी एड्रेस कॉन्फिगर करना है, एंड इस सिस्टम इज टेकिंग 5 मिनट। तो 5 सिस्टम है तो कितना मिनट लेगा, 25 मिनट्स। अगर मेरे पास 100 सिस्टम है तो कितना टाइम लेगा, 500 मिनट, जो कि एक काफ़ी बड़ा टाइम है। सो विद द हेल्प ऑफ डीएससीपी हम लोग ये काम को बहुत आसान कर सकते हैं। डीएससीपी मतलब डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, मतलब हम लोग ऑटोमेटिक तरीके से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो डीएससीपी के लिए मैं एज अ राउटर को भी डीएससीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, या तो मैं डीएससीपी सर्वर भी ले सकता हूँ। ठीक है, सो मैं राउटर को एज अ डीएससीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करता हूँ। सो राउटर को मैं बताऊँगा कि मेरे पास एक नेटवर्क है 192.168.1.0, ये नेटवर्क में के आईपी एड्रेसेस ये नीचे के यूजर्स को ऑटोमेटिक तरीके से पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डीएससीपी पूल क्रिएट करूँगा, डिफॉल्ट गेटवे डालूंगा जो कि ये रहेगा, जो भी आईपी एड्रेस रहेगा मैं कॉन्फिगर करूँगा, और जैसे ही मैं किसी पीसी के ऊपर जाके डीएससीपी ऑन करता हूँ तो वो ऑटोमेटिक तरीके से ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस कॉन्फिगर हो जाएगा। ये काम होता है डीएससीपी का। हार्डली जहाँ पे बहुत बड़ा एनवायरनमेंट है वहाँ पे डीएससीपी ये प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना सही रहता है, बिकॉज हर सिस्टम के ऊपर जाके मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना देर इज़ नो सेंस। तो मैं हमेशा डीएससीपी रिकमेंडेड करता हूँ अगर हमारा बिग एटमॉस्फेयर है। अगर आप इंटरनल नेटवर्क में काम कर रहे हो तो आई डोंट थिंक सो डीएससीपी का आपको यूज़ करना चाहिए, इट्स नॉट सिक्योर, बिकॉज कोई भी पर्सन आके आप डीएससीपी के थ्रू कोई भी एक्सेस ले सकता है। तो मेक श्योर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है, खास करके क्रिटिकल एनवायरनमेंट में। ये काम होता है डीएससीपी का, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, अभी यहाँ पे जो डीएससीपी सर्वर है, डीएससीपी भी सर्वर काफ़ी सारे कंपनीज में यूज़ होता है, तो डीएससीपी सर्वर के थ्रू भी कर सकते हैं, या तो आपके पास राउटर है तो राउटर के ऊपर भी आप डीएससीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हालांकि मैं लास्ट टू लास्ट प्रोजेक्ट में काम किया था तो हम लोगों ने राउटर के ऊपर डीएससीपी सर्वर पूल क्रिएट किए थे। अभी एक राउटर के ऊपर हम लोग मल्टीपल डीएससीपी पूल क्रिएट कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल है, मतलब इन केस यहाँ पे मेरे पास और एक स्विच है और यहाँ पे और यूजर्स है, ये यूजर्स को मुझे 192.168.1.0 का आईपी एड्रेस देना है तो पॉसिबल है, इसको मुझे लगता है 172.16.0.0 का आईपी एड्रेस देना है, वो भी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ डीएससीपी पूल। तो हम लोग वो पॉसिबल कर सकते हैं। ठीक है, खाली हमें गेटवे के ऊपर फोकस करना है कि क्या गेटवे कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है,
सो दिस इज ऑल अबाउट अवर बेसिक थिंग। जैसे कि मैंने बताया कि सबनेटिंग का जो टॉपिक था वो हम लोग लास्ट में करेंगे, तो अभी हम लोग थोड़ा बहुत सबनेटिंग के बारे में समझ लेते। अभी जैसे कि मैंने बताया, सबनेटिंग इज प्लेइंग अ वेरी बिग एंड इम्पॉर्टेंट रोल। सबनेटिंग क्या करता है, तुम्हारे वेस्टेज होने वाले आई पी को बचाता है, तुम्हारे नेटवर्क परफॉर्मेंस को एक अच्छी तरीके से अच्छा बनाता है, ठीक है, नेटवर्क में जो कंजेशन होता है उसको कम करने का काम करता है, तुम्हारे नेटवर्क सिक्योरिटी को बूस्ट करता है। अभी मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जस्ट कंसीडर करो कि अगर मेरे पास 40 यूजर्स है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ मैं क्लास सी का नेटवर्क यूज़ करूँ, 192.168.1.0, ये मेरा क्लास सी का नेटवर्क है। अभी समझ में आ गया क्लास सी का क्यों बोला मैंने, बिकॉज 192 इज कमिंग अंडर क्लास सी नेटवर्क, ठीक है। सो इसके फर्स्ट थ्री पोर्शन इज अ नेटवर्क पोर्शन, ओनली लास्ट पोर्शन इज होस्ट, मतलब मैं लास्ट वाले ऑक्टेट में ही चेंज कर सकता हूँ, उसके बगैर नहीं कर सकता। तो इसके बाद का जो आई पी एड्रेस रहेगा वो रहेगा 1.1, करेक्ट, 1.2, ऐसे करते करते जाएगा 1.255 तक, करेक्ट। तो इसके बीच में यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, 1.254, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, द फर्स्ट आई पी एड्रेस ऑफ नेटवर्क विच इज़ कॉल्ड एज अ नेटवर्क आई डी एंड द लास्ट आई पी एड्रेस ऑफ नेटवर्क विच इज़ कॉल्ड एज अ ब्रॉडकास्ट आई डी एंड मिडल आई पी एड्रेस विच इज कॉल्ड एज अ वैलिड आई पी एड्रेस इज वी आई पी, वैलिड आई पी एड्रेस, जो कि हम लोग यूजर्स को दे सकते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो नेटवर्क दिख रहा है मुझे, अगर ये नेटवर्क मैं देखता हूँ तो 254 यूजर्स है, ठीक है। सो 254 यूजर्स, दैट मीन्स अ वेरी बिग नंबर ऑफ यूजर्स। अगर 254 यूजर्स से मैं माइनस 40 यूजर्स करता हूँ तो कितने बचते, 214 यूजर्स, करेक्ट, 214 यूजर ये वेस्टेज जा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे सबनेटिंग का मतलब क्या होता है, एक बड़े नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क में डिवाइड करना, जिसके थ्रू हम लोग आई पी एड्रेस वेस्टेज होने से बचाया जा सकता है, ठीक है। तो सबनेटिंग हमेशा दो टाइप से होते हैं, एक होता है FLSM विच इज कॉल्ड एज अ फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, एक होता है VLSM। अभी FLSM एंड VLSM का मैं थोड़ा बहुत फंडामेंटल समझा देता हूँ। जैसे कि एक फैमिली है, फैमिली में चार बच्चे हैं, उनके पापा ने उनको 100 रुपीज दिए और बोले कि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, तो हर एक के खाते में आगे 25 रुपये, सेकेंड पर्सन के खाते में, थर्ड पर्सन के एंड फोर्थ पर्सन के खाते में 25 रुपये के, बिकॉज इक्वली। सो वी कैन से विच इज कॉल्ड एज अ FLSM, मतलब इक्वल नंबर ऑफ होस्ट ईच एंड एवरी ग्रुप, ठीक है। सेम एज सेकंड वाला फॉर्मूला लेते हैं हम लोग, जैसे कि 100 रुपीज फिर से पापा ने दिए, तो फर्स्ट वाला बच्चा बोलता है कि मुझे 10 रुपये की जरूरत है, सेकंड वाला बोलता है कि अच्छा मेरे को 40 रुपीज दे दो, थर्ड वाला बोलता है मुझे 20 रुपीज दे दो, और जो फोर्थ नंबर का है बोलता है मुझे 30 रुपीज दे दो। हालांकि यहाँ पे भी काउंट 100 है, लेकिन दिस इज द वेरिएबल, मतलब VLSM, हर एक का अपने अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका कॉस्टिंग एंड कैलकुलेशन चेंज होगा, विच इज कॉल्ड एज अ VLSM। सो दिस आर द टू थिंग्स अबाउट द FLSM एंड द VLSM अबाउट सबनेटिंग। अभी सबनेटिंग कैलकुलेटिंग करने के लिए ना दो फार्मूले होते हैं। द फर्स्ट फार्मूला इज द रिक्वायरमेंट ऑफ होस्ट, 2^h − 2 > 2 = requirement, ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड वन इज द नेटवर्क 2^n = 2। तो ये दो फार्मूला है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर डूइंग द सबनेटिंग। अगर आपको ये दो फार्मूला अच्छी तरीके से चलाना आ गया, आप FLSM एंड VLSM में ओरली अच्छी तरीके से कॉन्फिगरेशन कर सकते हो, समझ सकते हो कि कहाँ पे क्या होता है, विच इज़ प्लेइंग अ वेरी वेरी बिग एंड इम्पॉर्टेंट रोल। अगर आप इन फ्यूचर कभी सीसीएनओग्राफ पढ़ते हो तो मेक श्योर ये दोनों टॉपिक अच्छे से करो और समझो, ये समझ समझ के करो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और ये जो फार्मूला है, अगर आपको ये यूज़ करना आ गया तो आप इजीली इसको प्ले कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सबनेटिंग। हालांकि हम लोग इसको क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश नहीं करेंगे अभी फिलहाल, इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू इतना इनफ है, हम लोग इसका भी यूज़ करते हैं रियल प्रोडक्शन नेटवर्क में। सो कभी लगेगा तो इसको भी हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, इट इज ऑल अबाउट अवर टूडे सेशन, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? हेलो।